वेलकम है। इस क्वेश्चन में हम लोग को फोर कार्बोकैटायन दिए हुए, हम लोग को इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर पता करना है। सो देखिए, हम लोग क्या देख रहे हैं कि आवर फर्स्ट स्ट्रक्चर हैज अलाइलिक कार्बोकैटायन, सो दिस इज अलाइलिक, है ना। यहाँ रेजोनेंस पॉसिबल है तो दिस इज अलाइलिक, एंड अलाइलिक कार्बोकैटायन आर रेजोनेंस स्टेबिलाइज। यहाँ पर हम लोग को पता है दिस कार्बोकैटायन इज एरोमेटिक, देखो ये तो बहुत अच्छे से पता है, साइक्लोहेप्टाट्राइन वाला है ना ये, सो दिस इज एरोमेटिक कार्बोकैटायन। सो एरोमेटिक कार्बोकैटायन विल बी मोर स्टेबल देन एलाइलिक, ये क्लियर है। नेक्स्ट, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ कार्बोकैटायन जिसको हम लोग बोलते हैं साइक्लोप्रोपाइल, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन, मिथाइल कार्बोकैटायन। इसका जो स्टेबिलिटी होता है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होता है, दिस हैज एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। क्यों होता है एक थ्योरी में आप देख सकते हो, बट दिस हैज एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। यहां पर क्या हो गया, दिस ग्रुप विल प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू दिस एज वेल एज ये भी प्रोवाइड करेगा, इसी का जैसा है बट दो साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप। याद रखना साइक्लोप्रोपाइल जो होगा वो कार्बोकैटायन को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है। सो नाउ मोस्ट स्टेबल इज क्लियर टू होगा बिकॉज इट इज एरोमेटिक, उसके बाद नंबर फोर होगा बिकॉज दे हैव टू साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप, देन थ्री होगा और लास्ट में वन होगा। याद रखना साइक्लोप्रोपाइल एक्स्ट्रा स्टेबल होता है, ये गिव्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी बट नॉट इनफ टू हैव स्टेबिलिटी मोर देन एरोमेटिक। एरोमेटिक से अधिक स्टेबल नहीं होता बट एलाइलिक से मोर स्टेबल हो जाता है। ठीक है, थैंक यू।